कक्षा 11वीं के प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिडिल पाठशाला पे। तो आज हम लोग देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 विषय भौतिक शास्त्र सेट ए का रियल पेपर, जो आपका 18 सितंबर को पेपर होगा, उसका मैं संपूर्ण हल आपको बताऊंगा। समय रहेगा आपका 3 घंटा, पूर्णांक रहेगा 70 का। निर्देश देख सकते हैं, सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक जो वास्तविक प्रश्न रहेंगे, और इसमें आपको 28 अंक मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और क्वेश्चन पहला है, सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो पहले का पहला हो जाएगा, एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। दूसरा हो जाएगा, स्थिति समय ग्राफ का ढल प्रदर्शित करता है। तो पहले का आंसर आपका हो जाएगा सा नंबर, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फटाफट। दूसरा है, वेग हो जाएगा अ नंबर। निम्नलिखित में सदिश राशियों का समूह है, त्वरण क्षेत्रफल संवेग। चौथा हो जाएगा, अधिकतम दूरी ताप का प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। तो इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। पांचवा है आपका, रॉकेट नोदन आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। छठवां हो जाएगा, निम्नलिखित में ऊर्जा का मात्रक नहीं होता, वाट हो जाएगा। इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दूसरे का पहला हो जाएगा, 1 nm बराबर 10^-9 m हो जाएगा। और दक्षिणी चाल व दक्षिणी वेग का अनुपात सदैव 1 होता है। वृत्तीय मोड़ पर सड़क ढालन की ओर ऊंची बनाई जाती है। यदि किसी निकाय का कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका रेखीय नियत रहता है। SI पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नेतांक दृढ़ स्प्रिंग के स्प्रिंग नेतांक से अधिक होता है। तो इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। दूसरे का पहला हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। तो इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तीसरा है आपका, सत्य आपको बताना है। तीसरे का पहला हो जाएगा, किसी पिंड को एक समान वेग से गतिशील बनाए रखने के लिए बल आवश्यक है, सत्य हो जाएगा। दूसरा, संरचित बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करता है, असत हो जाएगा। गुरुत्वीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। ऋणात्मक त्वरण को मदन भी कहते हैं, सत्य हो जाएगा। स्थिति समय ग्राफ का ढालन वेग प्रदर्शित करता है, सत्य हो जाएगा। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, ये भी सत्य हो जाएगा। आपका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। पहला आपका सत्य हो जाएगा और दूसरा असत्य। तीसरा हो जाएगा आपका सत्य, चौथा सत्य, पांचवा, छठवां भी आपका सत्य हो जाएगा। अब सही जोड़ी देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, रेखी संवेग। तो इसका आंसर हो जाएगा, रेखी संवेग का द्रव्यमान गुणे वेग हो जाएगा। विमाहीन राशि, दूसरे का हो जाएगा विकृति। तीसरे का अपेक्षिक घनत्व, तीसरे का हो जाएगा आपका m0 l0 और t0 हो जाएगा पर सेक। चौथे का हो जाएगा आपका ए नंबर आवृत्ति की बीमा। पांचवा हो जाएगा डी नंबर। इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन आपका, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर आपको बताना है। तो ये रहा आपका आंसर, b-t ग्राफ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल का व्यक्त करता है। विस्थापन हो जाएगा। शून्य सदिश किसे कहते हैं? पानी पर तैरते हुए यम द्रव्यमान के एक कर्क पर नेट बल का मान कितना होगा? शून्य हो जाएगा। रॉकेट नोदन किस नियम पर आधारित है? संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है। कोई गाड़ी 90 किलोमीटर की चाल से चल रही है तो 15 में कितने मीटर चलेगी? तो 22.5 मीटर। इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फटाफट। पांचवें का हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर छठवां है, सदस्यों कि योग संबंधी त्रिभुज नियम। किसी सदिश ए को किसी XY समतल में वियोजित करने के लिए किया गया, लिखिए। सातवां हो जाएगा, विमीय विश्लेषण की सीमाएं। तो छठवें का आंसर आपका ये रहा, सदिश के योग का त्रिभुज नियम। इस नियम के अनुसार यदि दो सदिश को परिणाम व दिशा किसी त्रिभुज की दो क्रमगत भुजाओं से निरूपित किया जाता है तो तब इन सदिशों का परिणामी परिणाम हुआ सदिश में विपरीत क्रम में
क्वेश्चन नंबर 7 का विमीय विश्लेषण के कुछ उपयोग ये हैं: भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करना, भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, एक पद्धति के मात्राओं को दूरी पद्धति की मात्राओं में बदलना। इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 8वां: कोई कार्य एक समान रूप से त्वरित होकर S5S में 18 किलोमीटर 36 किलोमीटर की चाल प्राप्त करती है तो कार्य का त्वरण ज्ञात कीजिए, अथवा में 20 ग्राम की एक 900 km की चाल से चलकर एक रेत के ढेर में 25 सेंटीमीटर तक घुस जाती है, गोली में उत्पादन मदन ज्ञात कीजिए। इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। तो 8वें का आंसर आपका ये रहा, इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां है आपका, ये रहा आपका 9वां: वृत्ति गति किसे कहते हैं, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका वृत्ति गति, जब कोई वस्तु वृत्तकार पथ पर गति करती है तो उस वस्तु की गति वृत्ति गति कहलाती है। 10वां आपका जड़त्व का नियम लिखिए, अथवा में संवेग संरक्षण का नियम बताइए, इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। प्रक्षेप गति ये रहा आपका, यदि किसी पिंड को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में विभिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वह पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में एक ही वृत्त पर गति करता हुआ पृथ्वी किसी अन्य स्थान पर लौटकर आ गिरता है, इस गति में प्रक्षेप गति कहते हैं। इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। 11वां है आपका, क्वेश्चन नंबर 11वां है, ये रहा आपका 11 नंबर: क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचते हैं, पहियों में बल बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। 12वां क्वेश्चन: घर्षण से होने वाले लाभ हानि बताइए, अथवा में घर्षण को कम करने तथा बढ़ाने के उपयोग हो जाएगा। 13वां है आपका, भौतिक समीकरण V2U2+2As की शुद्धता की जाँच कीजिए, अथवा में हो जाएगा आपका खुद से पढ़िएगा। और 14 क्वेश्चन आपका, प्रक्षेप गति में किस कोण पर क्षैतिज पारस ऊंचाई के बराबर होती है, गणना कीजिए, इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फटाफट। तो आंसर आपका ये रहा 11वां नंबर, ये रहा आपका 12वां: घर्षण के जो लाभ होते हैं और हानि बताना है, तो घर्षण के ही कारण हम चल सकते हैं तथा रुक सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा, हानि भी है। क्वेश्चन नंबर आपका 13वां का है, ये रहा आपका 13वां क्वेश्चन आपका, 13 हो जाएगा 14, 15 और 16, इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 17वां क्वेश्चन आपका, 36 से 300 का कोण बनाते हुए गेंद प्रारंभिक वेग 15 ms के बेग में फेंकी जाती है तो गणना कीजिए, अधिकतम ऊंचाई उड़न काल 36 पारस हो जाएगा, अथवा में प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, पृथ्वी सतह से 36 किस कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड़न काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं 36 पारस के लिए सूत्र स्थापित करो, और लौटनिक गति किसे कहते हैं, लौटनिक गति करते पिंड की संपूर्ण गति ऊर्जा ज्ञात कीजिए, कोणीय संवेग बल आघूर्ण संबंध स्थापित कीजिए। 19वां, एक समान त्वरित गति में x-t ग्राफ खींचकर गति के कारण प्राप्त कीजिए, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड के लिए गति के समीकरण प्राप्त कीजिए, इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको पेपर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम का, व्हाट्सअप का, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें आपको पेपर का PDF मिल जाएगा। आंसर में सोल्यूशन तो आपको वीडियो पे ही बताऊंगा, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।